आज के समय में किसी भी जवान व्यक्ति के भीतर या फिर जवान लड़के के भीतर यह दो प्रश्न अवश्य ही उठते होंगे। पहला प्रश्न ये है कि क्या आज के समय में ब्रह्मचारी बना जा सकता है, और दूसरा प्रश्न ये होता है कि क्या आज के समय में राममूर्ति के समान अतुलित शक्तिशाली बना जा सकता है। तो फिर मेरा उत्तर यही है कि आज के समय में ब्रह्मचारी भी बना जा सकता है और राममूर्ति के समान शक्तिशाली भी बना जा सकता है। मैं आपको बहुत बड़ा चढ़ाकर नहीं बताऊंगा, मैं आपको बस ये कहूंगा कि अपना एक लक्ष्य बनाओ, और लक्ष्य आपको ये बनाना है कि मुझको शक्तिशाली बनना है। और जब आपका लक्ष्य पूर्ण रूप से यह हो जाएगा कि मुझको शक्तिशाली ही बनना है, तो फिर ब्रह्मचर्य का पालन अपने आप ही होने लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सुबह तो जा रहे हो और मास्टरबेशन कर रहे हो और शाम को फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। जो राममूर्ति के समान शक्तिशाली बनना चाहता है, उसकी पहला स्टेप उसका यही है कि वह पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करे। और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए मैंने आपको बताया है कि आज के समय में यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो बिना ज़्यादा लाभ लपेट के, बिना ज़्यादा नियमों का पालन किए, तो फिर आप विजुलाइजेशन कीजिए। और विजुलाइजेशन आपको ये करना है कि आप शक्तिशाली बन गए हो, शक्तिशाली बन चुके हो। जैसे जैसे आपका विजुलाइजेशन बढ़ने लग जाएगा, आप देखोगे कि एक तरफ तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, दूसरी तरफ आप पूर्ण रूप से राममूर्ति व्यायाम कर रहे हो, और तीसरी तरफ आप विजुलाइज़ कर रहे हो कि मैं राममूर्ति के समान शक्तिशाली बन चुका हूँ। तो फिर ये तीनों चीज़ें आपको सच में शक्तिशाली बनाने लग जाएंगी। आप ब्रह्मचर्य का भी पूर्ण रूप से पालन कर पाओगे, यानी कि आप ब्रह्मचारी बन जाओगे। दूसरा ये है कि आप जो राममूर्ति व्यायाम कर रहे हो, इस राममूर्ति व्यायाम से आपके भीतर जो वीर की शक्ति है, आपके भीतर जो प्राण की शक्ति है, वह बढ़ने लग जाएगी। आपकी मसल्स को अधिक से अधिक स्ट्रांग बना डालेगी, आपकी इच्छा शक्ति को बहुत ही अधिक कर देगी। और तीसरा ये है कि जब आप विजुलाइज करोगे कि मैं राममूर्ति के समान शक्तिशाली बन चुका हूँ, तो फिर विजुलाइजेशन की पावर, कल्पना शक्ति की पावर, संपूर्ण ब्रह्मांड की पावर आपके साथ हो जाएगी आपके उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। इसलिए मेरा तो अटूट विश्वास ये है कि आज के समय में ब्रह्मचारी भी बना जा सकता है और राममूर्ति के समान शक्तिशाली भी बना जा सकता है। भले ही ऐसा ना हो कि आप राममूर्ति के समान हाथी को अपने छाती पर ना खड़े कर पाओ, लेकिन आप उतने शक्तिशाली बन जाओगे कि संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली आप होगे। जितने भी जो पावर लिफ्टिंग में या फिर वेट लिफ्टिंग में जो रिकॉर्ड बने हुए हैं, वह सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे केवल आपके ब्रह्मचारी बनने से और राममूर्ति के समान शक्तिशाली बनने से। बस इसकी मांग यही है कि आपको क्या करना है कि राममूर्ति व्यायाम ही करना है, और राममूर्ति व्यायाम की जो विधि बताई गई है उसी विधि से आपको व्यायाम करना है, और तो और ब्रह्मचर्य का पालन अपने आप होने लगेगा। जैसे जैसे आपके भीतर जो बर्निंग डिज़ायर जो है, जो आपके भीतर जो बर्निंग डिज़ायर जो है ना शक्तिशाली बनने की, यह बर्निंग डिज़ायर जो है आपके जो अवचेतन मन है उसमें बैठने लग जाएगी। और जैसे जैसे आप विजुलाइज करते जाओगे, तो फिर आप देखोगे कि ब्रह्मचर्य का पालन भी होने लग जाएगा, और राममूर्ति व्यायाम के द्वारा आप शक्तिशाली भी बनने लग जाओगे, और जो आप विजुलाइजेशन कर रहे हो उस विजुलाइजेशन की वजह से आप पूर्ण रूप से देखोगे कि मेरा जो सपना है शक्तिशाली बनने का, वह अब धीरे धीरे पूर्ण होने को जा रहा है। लेकिन बात यह है कि आप सोचो कि मैं शक्तिशाली तो बनना चाहता हूँ, और आप सोचोगे कि मैं जिम वाला व्यायाम करके शक्तिशाली बन जाऊँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिम वाला व्यायाम आपको फिट बॉडी दे सकता है, मस्कुलर बॉडी दे सकता है, लेकिन राममूर्ति के समान बल नहीं दे पाएगा, क्योंकि राममूर्ति व्यायाम में जो विज्ञान है उसका विज्ञान ही कुछ और है। और राममूर्ति व्यायाम का विज्ञान ये कहता है कि आप इच्छा शक्ति के द्वारा शक्तिशाली बनते हो, कोई वेट उठाकर आप शक्तिशाली नहीं बनते हो। यदि वेट उठाकर कोई शक्तिशाली बनता तो फिर किसी को 200 किलो का वेट उठाना पड़ता, किसी को 400 किलो का वेट उठाना पड़ता। वेट का ताकत से संबंध होता ही नहीं है, ताकत का संबंध होता है हमारी इच्छा शक्ति से। हम व्यायाम में जितनी इच्छा शक्ति का यूज़ करते हैं, उतने ही स्तर पर हम अधिक से अधिक शक्तिशाली बनते जाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको मैंने बताया ये है कि शक्तिशाली भी बना जा सकता है, ब्रह्मचारी भी बना जा सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि आप लड़कियों से एकदम दूर भग जाओगे और हिमालय की किसी गुफाओं में जाकर आप ध्यान करने लग जाओगे और आप ब्रह्मचारी बन जाओगे। आपको इसी संसार में रहकर, इन्हीं स्त्रियों के बीच में, इन्हीं लड़कियों के बीच में रहकर शक्तिशाली भी बनना है और ब्रह्मचारी भी बनना है। जब आप ऐसा आइडल बन जाओगे ना, तो फिर आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाओगे कि यह व्यक्ति आज के समय में भी इतना शक्तिशाली है और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन भी कर पा रहा है। लोग आपको देखकर मोटिवेट होंगे और वो खुद
ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और आपकी तरह शक्तिशाली बनने का भी प्रयास करेंगे। तो फिर मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आज के समय में भी शक्तिशाली बना जा सकता है और ब्रह्मचारी भी बना जा सकता है। मैं आने वाले समय में आपको खुद यह करके दिखाऊंगा कि मैं शक्तिशाली भी बन गया होऊंगा और पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी भी बन गया होऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं लड़कियों से दूर भाग भाग कर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। आप खुद देखोगे कि मैं लड़कियों के बीच में हूं, फिर भी पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं और तो और शक्तिशाली भी बन चुका हूं। ये मेरा अपने आप से वादा है, ये जो मेरा लक्ष्य है मैं इसी को विजुलाइज करता हूं और मेरे को विश्वास है कि मेरा लक्ष्य जो है वह अवश्य ही पूर्ण होगा।